को हमारी जो किसान यूनियन के प्रधान हैं उनकी स्पष्ट मांगा है। मैं गुरचरण सिंह सेहरा, तहसील राजपाल, जिला पटियाला से किसान भूमि उपजाऊ समस्या कमेटी के प्रधान हूँ मालवा जोन का। मैं पूर्ण तौर से दोनों को, जो हमारे बादशाह बने हुए हैं और जल्दी तरीके से बने हुए हैं, जेकर ये जनता के जरिए बने होते तो जनता की बात सुनते, इनको हमारी पूर्ण तौर से निवेदन बेनती है कि आप समझ आओ, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसमें जनता को भी नुकसान होएगा और देश के लिए भी आप बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान बन जाओगे, इसलिए आप ये कानून को रद्द कर दो। हमारी जो पूरे हिंदुस्तान की जिन्हें है उनकी मांग स्पष्ट है और सारे जो है अपना किसान हैं या बुद्धिजीवी हैं और या हम पढ़ते हैं, कोई भी इंसान पढ़ ले उसको समझ सकता भी ये गतला है, लेकिन ये दोनों नहीं समझ रहे हैं। ये पता नहीं अडानी अंबानी ने इनको क्या दे रखा है या अडानी अंबानी का इन पर क्या प्रभाव है, ये इतना उनके नीचे लग के चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों बंदे ने देश का राजपाट नहीं चलाना है, अब हम चलाएंगे लोग सारे हिंदुस्तानी। देखिए, शांति से बैठने का मतलब ये नहीं है कि हमने हथियार डाल दिए। बात दरअसल ये है, हम पूरे भारत को ये बात समझाना चाहते हैं कि जो ये लड़ाई है हमारी अकेलों की नहीं है। हर वो जो नौजवान बच्चा अभी दुनिया में आ रहा है, आने वाले समय में वो महंगाई की मार से गरीबी में ही मरेगा। ये दो घरानों उनको अमीर करने के चक्कर में मोदी ने ये सब प्रोपेगेंडा रचा है। 70 साल तक भी तो किसान पूरे भारत को खाना खिला ही रहा था ना, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, काले कानून। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन ऑर्डिनेंस पास हुआ उससे पहले रिलायंस के थैलों के ऊपर मोहर लग चुकी थी, अडानी के प्लांट लग चुके थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बेवकूफ बनाया जा रहा है पब्लिक को भी, सब किसानों को भी, आम पब्लिक को ये समझना चाहिए ये लड़ाई किसानों की नहीं है, आम पब्लिक की है। किसान की आवाज़ है, सरकार को मानना ही पड़ेगा। 2 महीने तक 5 महीने तक 6 महीने साल 2 साल जितनी टर्म रहती है मोदी जी की, उतने चिर नहीं मानेंगे। बैठे हैं सर, हम तो किसान हैं, शांति से ही बैठेंगे। ये सरकार अपना जोर लगाए, हम अपना जोर लगाएंगे। सरकार तो सिर्फ बहकावे में, मतलब वो बातें टाइम पास कर रही है, ये कानून तो रद्द करने वाली है नहीं, और किसान रद्द करवा के जाएगा। किसान ने ही कसम उठा रखी है कि हमने ये कानून रद्द करवाना है। जब तक रद्द नहीं होगा, चाहे 6 महीने लगो, चाहे 1 साल लगो, चाहे 5 साल लगो, जब तक मतलब वो बात रद्द नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे हैं, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली के अंदर भी घुसेंगे। आज हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम किसान के मतलब दिल्ली के अंदर भी घुसेंगे, संसद पे भी जाएंगे। हम डायरेक्ट से यही मांग करते हैं, बार बार ये कह रहे हैं भी ये इसमें संशोधन करने से कई पार्ट ऐसे हैं जिसको हम मान भी लें, दूसरी तरफ से वो लागू हो सकते हैं, लेकिन हमने यही बात की है भी इस काले कानूनों को ख़त्म करके उसको एक्सपर्ट को, ज़्यादा तजर्बे को साथ लेके, रिटायर जो वकील हैं या रिटायर जज हैं उनको साथ लेके इसको दोबारा बनाया जाए, तो किसानों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। देखो, हमारा तो जो रहेगा वो यही है, शांतिपूर्वक चलेगा, जितनी देर मोदी की मर्जी है चला ले, शांतिपूर्वक प्रोग्राम है, शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा। ये मोदी की मर्जी है कितना देर उसने चलाना है, कितना नहीं देर चलाना। एक बात करते हैं हम तुम्हारे चैनल के जरिए कि मोदी साहब इसको खत्म करो, अपनी अड़िया जड़ा अड़ियल वतीरा इनू खत्म करो, अड़ियल वतीरा छोड़ो, दोनों आदमी तुम मोदी और शाह। देखो, मोदी शाह ये कहते हैं कानून सही है, मोदी शाह कहते हैं कानून सही है, सारी दुनिया कहती है कानून गलत है। जज कह रहे ने सुप्रीम कोर्टा दे, हाई कोर्टा दे, वकील कह रहे ने, सारी दुनिया कह रही है, छोटे तो लैके बड़ा तक कह रहा है। ये पता नहीं क्या इन्ना अड़ियल वतीरा इन्हों का क्यों है, केड़ी गल तो ये कह रहे हैं कि कानून सही ने, मैनू समझ नहीं लगती इन्हों बंद की केड़ी गल तो। जे थोड़ा भी जेकर तुहानू राजपाक ते बात है, तुसीं जो मर्जी करी जाओ, ये गलत गल्लां ने बिल्कुल इन्हां दीआं, ये नहीं होणियां ना इन्हां दीआं, लोकां ने चलण देणियां ने। ये जिहड़े लोग ने समझ चुके ने, अगर जेकर ना समझ लगती बेशक ये लागू कर जांदे। अज दुनिया नू पता लग चुक्या ये मौत दे बरंट जिहड़े ने, ये असीं खत्म करा के जावांगे।